हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर की पहली क्लास है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वेव ऑप्टिक्स, वो वेव ऑप्टिक्स देख सकते हैं, रे ऑप्टिक्स देख सकते हैं, या पुराने लेक्चर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ड्यूअल नेचर पढ़ें रेडिएशन के एंड मैटर के। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हुआ आज तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट के बारे में। जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है लाइट, लाइट पे आपको दिख रहा होगा कि क्या हुआ था लाइट के बारे में। सबसे पहले 1675 की बात है, जब न्यूटन जी ने एक थ्योरी दी थी, नाम है पार्टिकल थ्योरी। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में आपको पूरा चैप्टर करवाया जाएगा भी। तो सबसे पहले बात हो रही है 1675 की बात है, जब न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी के बारे में कुछ बताया था। आप सभी ने पढ़ा भी था रे ऑप्टिक्स में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो पढ़ लेना वहां जाके। उसके बाद में उन्होंने पार्टिकल्स का नाम भी दिया था, न्यूटन जी ने उनका नाम दिया था कॉर्पुस्कल, CORPUSCULR, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी भी। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये चीज उन्होंने बताई थी। उसके बाद में हमने पढ़ी वेव ऑप्टिक्स, तो वेव के बारे में, यानी कि लाइट को उस टाइम पे क्या मान लिया गया था 1600 ईस्वी के अंदर, पार्टिकल मान लिया गया था। अब लाइट को क्या मान रहा है बाद में, वेव। 100 साल तक ये चली थ्योरी, 100-150 साल चली। उसके बाद में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, आप लोगों ने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में, YDSE, जिसने फिनामिना को एक्सप्लेन करा, जैसे आप लोगों को पढ़ता आ गया था इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को पढ़ा, डिफ्रेक्शन को पढ़ा और पोलराइजेशन को पढ़ा। ये तीन फिनामिना, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। इस साल की बात करो तो इंटरफेरेंस आपके सिलेबस में, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन को कट कर दिया गया है। तो बाद में नॉलेज के लिए आपको वीडियो भी बना देंगे। ये तीनों एक्सपेरिमेंट इसने प्रूव कर दिया YDSE के अकॉर्डिंग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, इंटरफेरेंस को, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। जब ये तीन एक्सपेरिमेंट हो गए, जब ये तीन एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गए, तो उस दिन ये बात साबित हो गई। जब इंटरफेरेंस भी साबित हो गया, डिफ्रेक्शन भी प्रूफ हो गया, पोलराइजेशन भी प्रूफ हो गया, तो उस दिन ये साबित हो गया कि लाइट का एक नेचर और है जिसका नाम पड़ा वेव। एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया, एक एक्सपेरिमेंट करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ रहे हो किसको पढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। और आपको बता देता हूं, इसी थ्योरी के लिए उनको 1925 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज विजेता भी रहे वो इसी थ्योरी के लिए। उन्होंने क्या कहा, जो फोटो पार्टिकल है वो किस, जो लाइट है वो किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है। कहानी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं खत्म हो गई। स्टार्ट कहां से हुई थी, लाइट से। वापस कहां आ गए, अल्बर्ट आइंस्टीन 1925 में क्या बताया कि लाइट पार्टिकल की बनी हुई है। देखो घुमा फिरा के वहीं आ रहे हैं, लेकिन उस पार्टिकल का उन्होंने नाम चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने फोटोन नाम दे दिया, यानी पैकेट्स। फोटोन का मतलब था पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। पूरी डिटेल में करेंगे, टेंशन ना लो। बात समझ में आ गई, ये चीजें हमने पढ़ी भाई, ये हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी लाइट के बारे में आई वो चीज आपको आपको हमने कवर करवाई। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई, लाइट के बारे में ड्यूअल नेचर माना जा रहा है क्या, पार्टिकल थ्योरी यानी कि रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। एक तो थ्योरी हो गई पार्टिकल वाली और दूसरी भी, दोनों ही अंडरस्टूड है, दोनों ही अच्छी है, इसीलिए बताया गया ड्यूअल नेचर लाइट का। कितना नेचर है, ड्यूअल नेचर, ये बात याद रखना। लाइट के कितने नेचर है, दो नेचर है। ड्यूअल का मतलब दोगलापन है ना, जैसे कई लोग होते हैं मेरे सामने मेरी, तेरे सामने तेरी, ऐसे जो मेरे सामने मेरी तारीफ कर देंगे, दूसरे के सामने दूसरे की तारीफ कर देंगे, मेरी बुराई कर देंगे, उनको बोलते दोगलापना। तो ऐसे लाइट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है भाई, ये दोगलेपने वाली प्रॉपर्टी है कि कभी तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है। आज तक समझ में नहीं आया इस चीज के बारे में, कंक्लूजन आज तक फाइनली नहीं निकला है, बस जो चल रहा है उसको चला रहे हैं। इन फ्यूचर में कोई करेगा, आप जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो इन फ्यूचर में जाके कभी साइंटिस्ट बनेंगे तो इन चीजों को प्रूव भी कर देंगे, आपके पास मौका भी है। क्योंकि अभी तक फाइनली डिसाइड नहीं हो पाया कि लाइट एक्चुअली में पार्टिकल है वेव है, इसीलिए जब दोनों ही डिसाइड नहीं हो पाया तो इसका नेचर बना दिया कि ड्यूअल नेचर। भाई इसका दो नेचर है, कभी कभी पार्टिकल, कभी कभी वेव। बात समझ में आ गई, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बताते हैं।
आज की जो पीरियड है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन के बारे में, जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ना, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में, पढ़ेंगे रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन के भी दो नेचर है आपको बताया गया है, एक मैंने आपको बताया रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। तो एक कौन सा नेचर है, वेव नेचर, समझ रहे हो इस बात को। दूसरा कौन सा नेचर है भाई, पार्टिकल नेचर है कि लाइट है वो पार्टिकल की भी बनी हुई है। आप लोगों ने ये पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, याद होगा आप लोगों को, पढ़ा चुका हूं। और ये आपने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स में, ये भी पढ़ाया गया आप लोगों को, समझ रहे हैं बातों को। तो वेव ऑप्टिक्स कवर, रे ऑप्टिक्स कवर। अब आई नया थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पार्टिकल थ्योरी थी ना इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया, रे ऑप्टिक्स में तो पढ़ी थी, इसके साथ में प्रूफ आ गया इसका। अब इस चैप्टर में हमारे पास प्रूफ आ गया, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने प्रूफ कर दिया कि लाइट है वो किसकी बनी हुई है, पार्टिकल के। बच्चे बोल रहे सर जी आप भी पागल बना रहे हो, कभी रे बता रहे हो कभी वेव बता रहे हो। तो भाई दोनों ही नेचर है, 10वीं क्लास के बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि लाइट है ट्वेल्व नेचर। लाइट वाला चैप्टर जब जाओगे बुक में पढ़ोगे तो वहां लिखा मिलेगा लाइट है टू नेचर, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10वीं के, जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा, जो 12th वाले हैं उन्होंने भी 10वीं में कभी ना कभी पढ़ा होगा इस चीज को। चलिए भाई, तो लाइट के बारे में हमें पता लग गया, जो रेडिएशन लाइट है, रेडिएशन लाइट बोलेंगे इनको, इसके दो नेचर हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे तो मैटर के बारे में बात कर लेते हैं, मैटर, क्योंकि ड्यूअल नेचर किसके हैं भाई साहब, ये ध्यान देना। ड्यूअल नेचर ऑफ क्या बोला, रेडिएशन एंड मैटर। मैटर के भी दो नेचर हैं, मैटर के पास भी दो नेचर हैं। एक आपको बताया गया पार्टिकल नेचर, कि जो जितने भी हैं वो किसके बने हुए हैं, जितने भी मैटर है एटम के बने होते हैं ना, यानी कि पार्टिकल्स के बने होते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि एक तो नेचर आ गया आपके पास, मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर आ गया। दूसरा आ गया मैटर के पास वेव नेचर भी है भाई, क्योंकि तो वेव में भी चलता है। इसका प्रूफ आया इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, इसका प्रूफ की बात करें, वेव नेचर का प्रूफ भाई, पार्टिकल थ्योरी तो हो गई चलो स्ट्रेट लाइन में मान लिया, लेकिन प्रूफ वेव नेचर, वेव में कैसे चलेगा भाई पार्टिकल, कोई पार्टिकल वेव में कैसे चलेगा। तो इसका प्रूफ आया इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो मास भी है, तो पार्टिकल हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, और वो क्या शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। और इसका एक्सपेरिमेंट इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का ब्रीफ दे दिया आपको, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पूरी डिटेल बता दी गई है। अब चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, समझ में आ रहा भाई, चलो बहुत अच्छा। जो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कराया कर लो। बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख देता हूं यहां पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से कुछ इफेक्ट हो रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसका मतलब यही हो गया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि फोटो की वजह से, यानी कि फोटो में क्या है पार्टिकल है, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा है, यही आपका कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में रही हो। अब इसका फिगर दिखाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है, कि चलो आप लोगों को दिखा देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये देखिए यहां पे आपके साथ क्या हो रहा है, देखिए यहां पे एक वेव आ रही है, वेव एनर्जी आ रही है ना, इनको हम क्या नाम दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, आपको याद होगा फोटोन नाम दिया था, क्या नाम दिया था, फोटोन। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, क्या नाम दिया था, फोटोन दिया था, नहीं दिया, ये फोटोन नाम दिया। अब बात करिए ये जो रेडिएशन आ रही है, इनको बोलते क्या, वो नाम दिया था आपको याद होगा रेडिएशन। ठीक है भाई, ये जो रेडिएशन आ रही है चल के ऐसे ऐसे करके, इनके अंदर एनर्जी होती है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। कैसी होती है भाई, वेरी फ्रीक्वेंसी, हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कह सकते हैं लो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, क्या बोल सकते हो, मिनिमम वेवलेंथ, समझ रहे हो इन बात को। या तो हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी या आपको कहते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, इस बात को ध्यान देना है।
हाई फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे ही ये लाइट यहां गिरेगी तो जो ये देखो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन? कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। और ये क्या है, ये एक मेटल सरफेस है, क्या ये मेटल सरफेस। अब बात करेंगे हम यहां पे सबसे पहले कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये तो पता हो कम से कम, कि सबसे पहले हमें ये तो पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे 12th में आ गए, वैसी बात नहीं है, पता ना होगा, पता भी होगा लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या चीज। चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में सिंपली बताएं तो, इन मेटल्स लिख देता हूं मैं यहां पे, इन मेटल्स, अगर मेटल्स की बात करें, इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आप सभी को पता होगा ये मेटल हो गया, ये हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, इन आउटर सेल आर लूजली बाउंड, आर लूजली बाउंड भी, ये बात तो समझ में आ गई कि बाहर वाले में क्या होता है, जैसे जैसे इसकी सेल बढ़ेंगी वो लूजली बाउंड होता चला जाएगा, इतना तो पता ही होगा लूजली बाउंड होता है, समझ में आ गई। दे आर अबाउट टू फ्री, दे आर फ्री टू मूव, ये कह सकते हैं हम, दे आर फ्री टू मूव, कब, जब आप उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दोगे। तो कहने का मतलब ये लूजली बाउंड है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात याद रखने की, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे इनको एनर्जी दोगे ये लूजली बाउंड है, हल्का सा फोर्स लगा रखा है, जैसे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे इनको एनर्जी ज्यादा दोगे ये जंप करके निकल जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनको बोलेंगे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए ना क्योंकि आपने इनको हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी दी, वो एनर्जी किसके पास गई, इन इलेक्ट्रॉन के पास गई और ये जंप करके छोड़ के चले गए। बात समझ में आ रही है, बोलो कोई दिक्कत है तो, बस यही तो फील तो करना है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए यहां से एनर्जी आ रही है आपको, ऊपर से दिख रहा होगा बीम आपको गिर रहा है, यहां से देख सकते हो आप बीम गिर रहा है, ये थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे थ्रेशोल्ड होता क्या है। बीम लाइट की गिर रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, देख सकते हो एनिमेशन में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से लाइट वेव गिर रही है और किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। बस इस फिनोमिना को तो समझना है अपने को, तो ध्यान से समझिए, क्लियर हो गया होगा एनिमेशन से, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, जिनको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए इतनी बात आपको बता दी मैंने, तो आप करना क्या है वो देखिए, लाइट आई इजेक्ट हो गई इलेक्ट्रॉन, अब बात आती है इसको समझने की, क्या मतलब हुआ ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन भाग गए। तो सुनिए कि वह, अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूं क्या हो गया, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ क्या, तो मैं इसको पेन करता हूं चेंज और लिखता हूं रेड पेन से, कि वेन रेडिएशन ऑफ, क्या लिखोगे, वेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ ले जाए क्या होता है, तो पता होना चाहिए व्हेन रेडिएशन, ये छोटी छोटी बातें याद कर लेना, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान रखना, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ, देखो क्या आ रही है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एक, और या मिनिमम वेवलेंथ बोल सकते हैं, लीस्ट वेवलेंथ बोल सकते हैं, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, यही तो हो रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली है वो कहां गिर रही है, मेटल के सरफेस पे गिर रही है। आगे देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम दी मेटल सरफेस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो फोटो का मतलब लाइट, लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, तो यानी कि लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के। तो अब मैंने कहा जो ये इन फोटो, जो लाइट है फोटो है, इनके अंदर एनर्जी होती है और उनको नाम दिया गया पैकेट्स, बंडल है, पैकेट है वो, ये यहाँ पे जो इनमें एनर्जी उनको बंडल बोला गया, फोटोन का मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट, ठीक है ना, पैकेट बोल दिया इनको। अब इन फोटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ना, ध्यान से पढ़िए, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहेगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक, आपने समझ लिया होगा, इसको कर देते हैं इरेज और हटाइए इसको, और लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो फोटोन के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, पहले बता देता हूँ क्योंकि फोटोन के काम आएगी भाई आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। तो फोटोन की आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या लिखेंगे हेडिंग, बेसिक फीचर ऑफ फोटोन। ठीक है भाई, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लिख दो, बेसिक प्रॉपर्टी लिख देता हूं, बेसिक हेडिंग रहेगी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। ध्यान से समझिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पे, नोट करिए भाई। तो क्या कहा, लाइट कंसिस्ट ऑफ, क्या बताया, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, पहली प्रॉपर्टी कहा गया लाइट के बारे में, लाइट कंसिस्ट ऑफ, जो लाइट है वो कंसिस्ट होती है ऑफ पार्टिकल, और इनको पार्टिकल भी नहीं कहा जाता, इनको एनर्जी पैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या इसको एक नाम और है क्वांटा, इसका नाम क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो क्वांटा, इसको क्वांटा कहा जाता है पार्टिकल को। तो या तो हम इसको क्वांटा बोलेंगे या एनर्जी पैकेट बोलेंगे, आपको बताया ना, बंडल बोलेंगे, ठीक है ना, एनर्जी के पैकेट्स बोलेंगे, पार्टिकल भी नहीं बोलेंगे, और उनको क्या नाम होगा, कोल्ड फोटोन। तो फोटोन क्या है, बेसिकली एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, एनर्जी पैकेट। बात समझ में आ गई भी, बहुत अच्छा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए ध्यान से, कि द मास ऑफ द फोटोन इज, द मास ऑफ द फोटोन इज, जो मास है ना फोटोन का, इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ, इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स मतलब इसका मास डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग, जो ये फोटोन और इनका मास हमें डिफाइन नहीं कर पाए, किस फॉर्म में, जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स में मास का डिफाइन करते, क्लासिकल फिजिक्स 11th में पढ़ के आए हो ना, उसकी बात हो रही है, पुरानी फिजिक्स मैकेनिक्स में पुली वाले चैप्टर हो गया, इनमें पढ़ी थी हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स। अब इसी में एक बात और बताइए, एक प्रॉपर्टी और बताइए, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। ये तो मेजर कर लिया, जो रेस्ट मास होगा, यानी कि जब पार्टिकल जो आपका फोटोन है वो रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रेस्ट मास इज जीरो, ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ ली हम लोगों ने, बात समझ में आई। चलिए भाई थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ऑल फोटोन ट्रेवल, ऑल फोटोन ट्रेवल विद स्पीड, आप सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है 299792 45 मीटर पर सेकेंड, या आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भाई, अप्रोक्स में है ये, लेकिन ये अप्रोक्स में रहेगी भाई है, ये एनसीईआरटी किताब में ये दे रखा है 299, ठीक है भाई, 792 45, ये आप याद कर सकते हो, या फिर आप इतना याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है भाई, बात समझ में आ गई। किस में है ये, इन एयर या वैक्यूम, भी वैक्यूम में भी यही लेते हैं भाई, ठीक है ना, ये बात याद रखनी। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटोन क्या होते हैं भाई, फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फोटोन है वो उसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, मतलब न्यूट्रल है, बात समझ में आ गई, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। बोलिए किसी भी बच्चे को नहीं आ रही हो कमेंट करते रहना भैया, जो जो बच्चा देख रहा है कमेंट करिए भाई, ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी, ईच, अब ध्यान दीजिए क्या कहा, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी, सभी में एक डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम, एंड डेफिनेट मोमेंटम भाई, ये प्रॉपर्टी आपके बुक्स में भी मिल जाएगी आपको, कि डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट मोमेंटम होता है भाई, सभी का डेफिनेट मोमेंटम होता है, डेफिनेट एनर्जी होती है। एक चीज और बताऊं आपको फॉर्मूला, चलो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, लिखवा नहीं रहा था, ई का फॉर्मूला फोटोन के लिए, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला सुन लो भाई ध्यान से, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला सुन लेना भाई, ई इज इक्वल टू, याद कर लेना, एच इंटू न्यू, फॉर्मूला ये किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन का, फोटोन की एनर्जी का, 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा, या फिर एच इज इक्वल टू सी, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा, सी अपॉन में लैम्डा, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, सारे बच्चे याद करना इस बात को, ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फॉर्मूला किसका हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन, याद रहेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है ई इक्वल टू एच इंटू न्यू, और न्यू इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में लैम्डा, समझ में आ गई बात, सी अपॉन में लैम्डा, याद कर लेना। अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्या लिख देना, 1240
इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लैम्डा वेवलेंथ, लेकिन वो वेवलेंथ में एमएम में होनी चाहिए, बस ये याद रखनी है। तो ये आप ये भी कर सकते हो, बाकी इसका भी यूज आ जाएगा, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा डायरेक्टली। अगर न्यूमेरिकल बनता है तो यहां से बन जाएगा डायरेक्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, अभी करवाएंगे थोड़ी देर में। एच क्या है फिर? एच आप सभी को पता होगा, लिख लो यहां पे प्लांक कांस्टेंट। क्या भाई? प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो 6.626 इंटू 10^-34 जूल्स पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, जूल सेकेंड भाई 6.626 है भैया, ठीक है भाई 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया एनर्जी के लिए। अब बात किसकी हो रही थी? मोमेंटम की। मोमेंटम का फॉर्मूला और लिख लो, पी इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा। आप बोलोगे सर ये आए कहां से? तो भाई ये मत पूछो, ये आपको उन्होंने लोगों ने खुद कैलकुलेट करके आपको फॉर्मूले दे दिए कि ये आए कहां से, तो मुझे भी नहीं पता, बस हमारे बुक्स में डायरेक्ट दे रखे हैं, हमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला में दिया गया। जैसे 10वीं में नहीं पढ़ लेते थे आप कोई भी ओम्स लॉ हो गया, ठीक है ना, पावर का 1/f हो गया, तो इस तरह के फॉर्मूला हमने 10वीं में पढ़े थे, वही चीजें यहाँ पे समझ लो कि बेसिकली फॉर्मूले हैं याद करने हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला एच इंटू न्यू, न्यू कटाओगे तो सी अपॉन लैम्डा, और एक ये फॉर्मूला एच बाई लैम्डा, ये इसका मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या लिखोगे यहाँ पे? मोमेंट ऑफ फोटोन। समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टीज आपके याद होने चाहिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो, ऐसे बुक में मिल जाता है, जब पेपर दोगे तो वहां लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, आपको पेपर पे। चलिए आगे चलते हैं, इसको कहते हैं इरेज। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं बैक जाके ले लो, जिन्होंने ले लिया। सिक्स पे देखिए, सिक्स पे क्या कहता है कि ऑल कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड मैटर पार्टिकल। देखो कोलिजन होता है, आपको बताया था जब एक सरफेस दिखाया था मैंने, ये देखिए यहां से पार्टिकल आ रहे टकरा के जा रहे हैं ना, तो यानी कि जितना भी कोलिजन होगा, ऑल कोलिजन क्या कहेंगे? ऑल कोलिजन, क्या बोलेंगे यहां पे? ऑल कोलिजन बिटवीन ए फोटोन, बिटवीन ए फोटोन एंड मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब होगा इसका? फोटोन और मैटर का जो पार्टिकल जो कोलिजन होगा ना उनके बीच में, ये एक सरफेस हो गया, इससे जब एनर्जी टकराएगी और इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, या इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कहा कि वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब इलास्टिक का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, याद करिए टोटल मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, याद करिए m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 + m2 v2 करवा दिया था। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इस प्रकार का कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा, इसको करता हूं इरेज। उसके बाद में सेवंथ प्रॉपर्टी लिखिए भाई, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है आपके काम आएंगी। ऑन इंक्रेजिंग व्हाइट पेन ले लो, क्या आप सभी चौक पे व्हाइट से पढ़ते हो ना? चलिए देखिए सेवंथ पढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये ध्यान से समझना भाई। ऑन, वेरी गुड, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अगर हम इंक्रीज कर दें इंटेंसिटी को, आज मैंने ग्रीन बोर्ड लगाने की सोचा कि क्यों ना आपको ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया जाए, कैसा लग रहा है सेटअप बताना, अभी पहले से अच्छा लग रहा है या इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। रेडिएशन, रेडिएशन को क्या बोलते हैं? लाइट ही एक प्रकार से। तो क्या बताया? ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, क्या बताया? द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डू नॉट चेंज भी, डू नॉट चेंज। ध्यान से समझिए क्या मतलब हुआ, कि जैसे यहां पे एक सरफेस हमने अभी दिखाया था आप लोगों को, सरफेस दिखा देते, ये इलेक्ट्रॉन है और यहां से इंटेंसिटी ज्यादा वाली लाइट आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होना ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, इनकी स्पीड वही रहेगी, इनकी जो एनर्जी रहेगी वो वही रहेगी जो पहले थी। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ एटम है ना जो गिर रहे थे, मतलब एक सेकंड में मान लो पहले 5 गिर रहे थे यहां से, फोटोन 5 गिर रहे थे, तो अब 10 हो जाएंगे, ये तो बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन द फोटोन एंड नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, यानी कि जो गिरेंगे ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट
यहां से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा गिरेंगे, निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन जो एनर्जी है ना इस फोटोन की वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जो भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है जितने भी, उनकी जो एनर्जी जो पहले थी वही रहेगी इंटेंसिटी को बढ़ाने से। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लेना। चलो इतनी बात समझ में आ गई भी, तो सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है, इस चीज को समझना कि इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहे मेटल सरफेस से, यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रॉन को निकाला कैसे जाए किसी मेटल सरफेस से। तो हम कह सकते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या डी रहेगी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहन लेता हूं रेड, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या लिखूंगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। समझ रहे हो इस बात का कि इलेक्ट्रॉन को निकाला कैसे जाए, और जो निकलता है ना इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन भी। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी, एक नया वर्ड हो रहा है वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना सरफेस से उसको क्या बोलेंगे भाई, वर्क फंक्शन बोलेंगे, इसको समझते हैं भाई। अब इलेक्ट्रॉन को निकाला कैसे कैसे जाता है वो देखेंगे, अब ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क फंक्शन है क्या, उसको निकालने से पहले तो देखेंगे, तो लिखेंगे, व्हाइट पेन लेता हूं। देखिए भाई सुनिए, वर्क फंक्शन है क्या, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना ही, अभी समझाया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना ही मेटल के सरफेस से क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। निकालते हो वर्क फंक्शन, यानी कि काम कर रहे हो आप लोग, वर्क फंक्शन नाम से पता लग रहा है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ना, रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन, बाई एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट जस्ट एस्केप, जस्ट एस्केप फ्रॉम दी मेटल सरफेस भी, फ्रॉम दी मेटल सरफेस, फ्रॉम दी मेटल सरफेस, फ्रॉम दी मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन भी, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। देखो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड तो आपको चाहिए एस्केप करने के लिए। तो वही बात है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां मेटल के सरफेस पे है तो उनको बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा के रोक रखे होंगे, तो है नहीं कि फ्री में कोई भी आएगा उठा ले जाएगा उसको, ये थोड़ा ना अपनी मर्जी से चलेगा, तुम्हारी मर्जी चलेगी, जो मर्जी आएगा उठा ले जाएगा इसको ना। कम से कम इनको इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि इसको छुटकारा करा ले, मतलब ये रजिया है गुंडों में फंसी हुई है यहां। अब इसको निकालने के लिए एक हीरो आएगा, हीरो आया यहां से, उसके पास इतनी एनर्जी है कि इस डाकू को, इस डाकू को मार दे और फिर इसको निकाल के ले जाए, बचा के ले जाए, जैसे कि फिल्मों में होता है। समझते हैं इस बात को, वही है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यही तो वर्क फंक्शन है कि कम से कम जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो आएगा ना बाहर से, ये एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू, ये क्या देता है, इसको एनर्जी देता है, कम से कम कोई ना कोई इसकी एनर्जी होगी कि जिस, अगर इतनी एनर्जी ये दे देगा तो ये तैयार है निकलना, कंफर्म नहीं है कि निकल ही जाए, मतलब हीरो आया बचाया, बचा के इसको एनर्जी दी अपनी, इसके साथ भगाने लग गया इसको, हीरोइन को अपने साथ लेके जा रहा है, लेकिन 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 क्या हो रहा है पंगा पता है, उसके पिताजी आ गए हीरोइन के, पकड़ लिया इसको, नहीं जा सकता तू, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना इस बात को, तो रोक लिया। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो सकता है उसके जो पिताजी हो वो अच्छे हो, अच्छे का मतलब है कि जो शादी करवा देता है वो अच्छा हो जाता है, जो नहीं करवाता बुरा हो जाता है ना आप लोगों के लिए, तो यही बात है भाई। तो यहां से वो आएगा, अगर वो हाँ कर देता है तो इसका मतलब वो निकल गया, तो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि आएगा, आओगे 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 माता पिता, ठीक है ना, ये फंसे हुए हैं कहीं पे भी आप समझ लीजिए, और यहां से इसको बचा के लेके चले जाएगा, बचा लिया, ठीक है ना, बचा लिया तो इसका मतलब एनर्जी मिल गई, नहीं बचा पाया फंस गया, वो खुद ही मर गया, डाकू ने आया उसी को गोली मार दी मान लो, समझ सकते हैं। तो फिल्मों में देखते हो, ये तो फिल्म का सीन है, पूरा फिल्म का सीख दिखा दिया मैंने। अब सुनिए, अब वर्क फंक्शन डिपेंड किस किस चीज पे करता है, ध्यान से समझिए, वर्क फंक्शन डिपेंड किस किस चीज पे, समझ में आया नहीं आया जल्दी से बोलिए, वर्क फंक्शन डिपेंड किस किस चीज पे करता है, अब वो समझिए कि वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, नंबर एक, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, डिपेंड ऑन द फॉलोइंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान दीजिए भाई।
सबसे पहले नंबर पे डिपेंड करता है भाई, देखिए नेचर ऑफ मेटल पे, कि जो मेटल है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मेटल, समझ गई। दूसरे नंबर पे किस पे डिपेंड करता है, तो दूसरे पर कंडीशन ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ सरफेस, समझ में आया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से समझना भाई एक बात, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर डब्ल्यू नोट से करते हैं, किससे करेंगे, डब्ल्यू नोट से, याद कर लो, या कई किताबों में आपको फाई नोट भी मिलेगा, तो जिससे आप करना चाहो कर सकते हो। और इसको मेजर किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एनर्जी है ना, उसको एनर्जी दे रहा था हीरो आके भगा के लेके जा रहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई नोट, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर क्वेश्चन बढ़ जाए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करिए तो क्या होगा, ये भी समझ लो, तो क्या बोलोगे, यहां से अगर यहां से सरफेस आया इसको भगा के यहां लेके जा रहा है, तो उसको वर्क फंक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, उसको कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी आई इसके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है ना, इज द काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, देखो किसने करी है, ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके भागा ना यहां से, तो गेन बाय इलेक्ट्रॉन, गेन बाय इलेक्ट्रॉन, पंकज देख रहे भाई, कमेंट करके बताना, पंकज प्रिया मोनिका रोल नंबर 5, इलेक्ट्रॉन वैन, जो भी बच्चा देख रहा है ना वो अपना कमेंट करके बताया करो भाई, वैन इट इज, कि दो बच्चों का तो मुझे पता रेगुलर देख रहे हैं, एक अपना नितिन है और एक पंकज, इट इज एक्सेलरेटेड, इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 वोल्ट, समझ में आया। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, व्हेन कब, इट इज एक्सेलरेटेड, यहां से जब एक्सेलरेट करा जाता है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दे, 1 वोल्ट का, बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो देखिए आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अरे 11 तो 12th के बच्चे हो तो उन्होंने पढ़ाई होगा, फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पोटेंशियल के लिए बताया था ना, सेकंड चैप्टर में, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा, बोलिए। और अगर मैं वर्क डन निकालना है, वर्क फंक्शन वर्क डन ही तो है, तो V इंटू क्यू, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्यू कितना है, चार्ज कितना है, और वी कितना है, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का देना डिफरेंस, तो और वोल्ट चार्ज कितना है, तो चार्ज तो आपको पता ही है कितना होता है चार्ज में, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, और वर्क डन की ऐसा यूनिट किस में ले आएंगे, अब जूल में ले आएंगे, सॉरी जूल में नहीं लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप किस में ले आएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको सोल्व करोगे तो 1.6 आ जाएगा × 10⁻¹⁹ जूल, बात समझ में आ गई होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, सिंपल सी तो बात है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, 10वीं वाले बच्चों को भी पता होगा ये बात तो, और 12th वालों को भी पता होगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, बात समझ में आ गई। अब एक बात और बताता हूँ, अलग अलग, ये नोट कर लिया, मिटा दूं, चलिए, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है भाई, ध्यान से समझना, मैं एक साइड में लिख रहा हूं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या लिख रहा हूं, वर्क फंक्शन किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक साइड में लिख रहा हूं आपके लिए मेटल का नाम, तो सुनिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सीजियम के बारे में, सीजियम, सीजियम मेटल का नाम सुना होगा, उसका होता है 2.14, ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, पोटेशियम का होता है 2.30, अलग अलग वर्क फंक्शन है कि नहीं है, इसी प्रकार से सोडियम का बात करूं तो कितना होता है 2.75, बढ़ता जा रहा है अभी, और देखिए एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम की ये कुछ कुछ मेटल है उनके बारे में आपको बता देता हूं, 4.28 है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर एल्यूमिनियम की बात, मरकरी की बात करूं, मरकरी, मरकरी का तो नाम सुना ही होगा आपने, एच जी 4.49 है, इसी प्रकार से कॉपर की बात करूं, कॉपर भी आपको पता है 4.70, और प्लेटिनम की बात करूं पीटी की, तो ये आ जाएगा 5.65, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, चाहो तो याद कर सकते हो इनको, ज्यादा बड़े ज्यादा नहीं लिए मैंने, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, ये सॉरी लाइन अच्छी हो गई, आप कर लेना इसको सही,
ठीक है भाई, सीधा नहीं चल रहा ना पेन, है ना? बात समझ में आ गई? चाब लिया, सीधा चलेगा कैसे नहीं चलेगा, इसको इरेज कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई, ले। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आ सकते अपने पास रहोगे तो टेंशन ना लो। ले लो तो चलो फिर दोबारा से इधर ठीक करिए, कोई बात नहीं, करिए भाई नोट डाउन इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। है तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो प्लेनेट प्लेटिनम का सबसे हाईएस्ट होता है, ये नोट कर लेना भाई। और सबसे लोवेस्ट किसका होता है वर्क फंक्शन? सीजियम का। तो लिख देना लोवेस्ट सीजियम का और हाईएस्ट प्लेटिनम का भाई वर्क फंक्शन कितना भाई, समझ में आ गई? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए जल्दी से कमेंट करके बोलिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो, अब आप देखिए यहां से एक सरफेस है, इस पे एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की और यहां से निकाली, तो अब एनर्जी दे दी आपने, ई आया, वो क्या रहा? फाई से ज्यादा रहा। फाई का मतलब आपको बताया था मैंने, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जो एनर्जी आ रही है उनकी ज्यादा है मान लो इससे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है, ये बात है ना, निकल तो जाएगा। देखिए मैंने मान लो आपको यहां से निकालने के लिए इसको शॉर्ट मारा तो निकल जाएगा, फिर शॉर्ट मारा निकाल दूंगा, लेकिन हो भी सकता है कि ना भी निकलो, शॉर्ट खाके भी बैठे रह जाओ। ऐसे भी लोग होते हैं डीठ पड़े, जानते हो तो कई डीठ हैं जो शॉर्ट खाके भी वहीं पड़े रहते हैं। तो वही बात यह है कि एनर्जी ज्यादा देने के बाद में भी रुक सकता है, जरूरी नहीं है कि वो निकले, क्योंकि वो अपनी एनर्जी और कामों में खर्च कर लेगा, जो उसको एनर्जी मिली थी वो अपने भाइयों में बांट देगा, समझ रहे हो ना? तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है अपने को, कैसे निकालोगे आपको पता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मेथड की बात करूं इनको इजेक्शन करने के लिए, तो वर्क फंक्शन बता दिया, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, यानी कि सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी। देखो अब कैसे निकालते हैं वो देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं, पहला बात करूं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन, जैसे कि मैं पहले ही बात करूं तो एक सिंपल ले लो, एक मेटल का सरफेस ले लिया मैंने और उसके अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, और उसको मैंने क्या करा, गर्म करा, क्या करा, यहां से गर्म करना शुरू करा, हीट करना शुरू करा, हीट करना शुरू करा, क्या करना, हीट हीट करना शुरू। हीट करने से क्या होगा, इनको इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एस्केप करके, एस्केप कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे बताओ। एक तो मेथड ये हो गया। अगर और मेथड की बात करूं तो एक ये पैरेलल प्लेट की तरह, यहां से ये इसको दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 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 प्लस, क्या दे देंगे, माइनस 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 माइनस, और इसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल रख लिया, क्या रख दिया, डायलैक्ट्रिक मटेरियल, तो पोलराइज हो जाएगा, प्लस वाले इधर आ जाएंगे प्लस के ऑटोमेटिक, और इधर क्या आ जाएंगे माइनस, इसकी वजह से एक ई बन जाएगा, यानी कि जो डायलैक्ट्रिक है इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हो गई। थर्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या, थर्ड का देखिए फिगर दिखाता हूं, फिगर दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये रहा, यहां से क्या आ रही है आंसर, रेडिएशन आ रही है हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई फ्रिक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, लो वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी, लो वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी लेनी है आप लोगों को, लो लेनी है, इस सरफेस पे आएंगे गिर जाएंगी, और यहां हो रहा है कौन सा इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि लाइट से हो रही है ना, थोड़ी देर पहले भी बताया था वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो याद रखना है आप लोगों को ये चीजें, तो आपको मैंने सारी चीज बता दी है, ये निकलेगा नहीं निकलेगा, जरूरी नहीं है कि आप जो इंसिडेंट की जो ई है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, फाई से, तो निकल ही जाए, ये कोई कंफर्म केस नहीं है, निकलेगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं निकलेगा, निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता, दोनों केस है भाई। तो मैंने आपको दोनों का शॉर्ट वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट दे दिया है। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसमें हम इक्वेशन भी पढ़ेंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो दी गई थी इक्वेशन उसको भी हम ढंग से कवर करेंगे, क्या इक्वेशन दी थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब निकली थी, तो आइंस्टीन थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो पढ़ने वाले हैं। मैं नोट डाउन कर देता हूं, इसको कर देता हूं इरेज, इरेज ऑल, तो यहां लिख देता हूं मैं क्या, हेडिंग आइंस्टीन, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ सकते हो ना, नोबेल प्राइज विजेता थ्योरी रही, तो आप लोगों को भी क्या नोबेल प्राइज दिला दे, अच्छे से पढ़ना भी इसको,
ये बच्चे होंगे सर जी, बस पास करा दो, काई का नोबेल प्राइज है क्यों भाई, होगे नहीं होगे, तो पास तो हो जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो बस थोड़ी सी, ठीक है भाई। ये हमारी आईडी रहेगी। आप सुनिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, एल का यूज करते ब्लैक, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो उनके पास क्या होती है भाई, एनर्जी होती है, यानी कि ये रेडिएशन आ रही है, इसको क्या बोलेंगे भाई, रेडिएशन ना, रेडिएशन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और उसका फॉर्मूला भी बताया था, ई इजिकल टू एच इंटू न्यू, और ई इजिकल टू एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा भी हो जाता है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। उसके बाद में यहां से क्या निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से, देखो ये, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बात समझ आई। ये क्या है, मेटल का सरफेस है, मेटल, सारी चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही, जल्दी से कमेंट करते भाई। और इसको करने के लिए क्या चाहिएगा, एक वर्क फंक्शन भी चाहिएगा, क्या चाहिएगा, फाई नोट चाहिएगा, फाई चाहिएगा वर्क फंक्शन, क्योंकि बिना वर्क फंक्शन के तो काम चलेगा ही नहीं। तो यानी कि तीन चीजें हो गई हमारे पास, एक तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास एनर्जी होगी, दूसरा एक वर्क फंक्शन है, तीसरा जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनके पास एक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बात समझ भाई, रेडिएशन एनर्जी आ रही है ना, रेडिएशन, तो उनके पास क्या है, बंडल है, पैकेट है, उनके अंदर एनर्जी है, और उसको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, प्लस में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें क्या निकल रही है, काइनेटिक एनर्जी भी निकल रही है। तीन चीजें हमने पढ़ ली, तो इनकी एक इक्वेशन थी बहुत फेमस, कि जब ई होगा वो ग्रेटर देन होगा फाइ, तब के लिए है, इनकी वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि निकलेगा, लेकिन कम से कम कंडीशन, चांस तो है, समझ रहे हो ना, चांस तो है। तो चलिए, तो क्या कहा उन्होंने, कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हैगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब होगी, तो आंसर है जब आप एनर्जी दोगे, यहां से जो एनर्जी दी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे, तो बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन दी, बड़ी फेमस इक्वेशन है, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी, यहां इसकी नहीं, यहां से इस सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा उसकी जो एनर्जी, समझ रहे हो ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी जो आई उसमें से अगर इस वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे, तो समझ में आ गई बात, इतनी बात ध्यान रखोगे, यानी कि के इज इक्वल टू ई माइनस का फाइव, बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, अच्छे से याद रखिए इस बात को, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बोलो फॉर्मूला याद कर लोगे इस बात को, चलिए ले देते फाइव। आगे देखिए, अब इतनी बात आ गई, इसी को हम बोलते हैं, इसका नाम भी सुन लो क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा, काइनेटिक मैक्सिमम ई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, के मैक्स, मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला याद करते चले जाना भाई, अब आ गया फाइव, एक फॉर्मूला ये बन गया अपना, दो फॉर्मूले, ये तो मोस्ट इक्वेशन है ही, इसी को हमने कन्वर्ट करके एच न्यू लिख दिया, या इसकी जगह एक और लिख सकता हूं भाई, देखो तीन फॉर्मूले बना रहा हूं यहां पे, एच न्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, ई का फॉर्मूला एच सी बाई, तो लैम्डा भी तो है, एच सी बाई लैम्डा माइनस का फाइव, बात समझ में आ गई। ये लो भाई फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू और फॉर्मूला नंबर थ्री, नहीं आई समझ में, वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई, तो आपको आगे चलते हैं, लेके चलते हैं, सिंपल है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, बॉक्स में कई जगह मिलेगा आपको लिखने के लिए, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, अलग अलग बुक्स वाले अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आगे, इसको मिटाता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अभी नया वर्ड और आ गया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन क्या है, ये वर्क फंक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको नापते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में और बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुनिए ध्यान से, अब लिखेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से समझिए क्या मतलब हुआ इसका, आप सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि फोर फोर इलेक्ट्रॉन एमिशन,
मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बताई थी कंडीशन ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, और ई का फॉर्मूला क्या होता है एच इंटू न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो आंसर है फाइव अपॉन में एच। क्या भाई फाइव अपॉन में एच, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, बता चुका हूं एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि मिनिमम, ये जो फ्रीक्वेंसी दिखेगी ये कहलाएगी मिनिमम, क्या कहलाएगी भाई मिनिमम, या ये कह सकते हैं ये जो वी मिनिमम है वो किसके बराबर है फाइव बाई एच के बराबर, तो कम से कम होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फाइव अपॉन मैच के बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। इसको हम बी नोट को हम कई किताबों में एफ नोट भी लिखा मिल जाएगा, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना भाई, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं एफ नोट भी लिख सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं अभी न्यू नोट भी लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं न्यू नोट, क्योंकि वर्क फंक्शन की लैंग्वेज में आएगा तो न्यू नोट लेना पड़ेगा अपने को, बात समझ में आ गई। तो यानी कि आपका जो फाई का फॉर्मूला आया वो क्या आया एच इंटू न्यू नोट, बात समझ में आई, कई बार एच एफ नोट लिखा मिल जाएगा, तो कंडीशन क्या थी क्या रहेगी अब इसमें कि जो एफ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से न्यू है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू अंदर न्यू नोट से, एक ही बात है दोनों सेम है क्योंकि मैं इसको रिप्रेजेंट ही कर रहा हूं, इससे एफ लिख दो न्यू लिख दो एक ही बात है, समझ में आ गई। तो याद करना है अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी लिख देता हूं, पेन चेंज करता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है लिख लो आप समझ में आ जाएगा आपको। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या बताया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का तो रिलेशन हो गया इसमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, आपको बताइए था ना मिनिमम ले ले इंसिडेंट रेडिएशन, हाई लेनी है ना उसमें तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट के लिए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आ गई कि ये वो मिनिमम, देखो आपको बताया गया था कि सरफेस है यहां से ऐसे ऐसे करके लाइट आएगी उनके अंदर एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, उनके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, यही तो बताया गया था। अब ये नहीं बताया कितनी बताया गया था, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो यहां से निकाल सकते हैं हम, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलो बहुत अच्छा, क्लियर हो रही नहीं हो रही जल्दी से बोलिए कमेंट करिए क्लियर हो रही नहीं हो रही, बहुत अच्छा भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था काइनेटिक मैक्सिमम का ई माइनस का एफ, समझ रहे हो ई माइनस का एफ पढ़ा था, और आपको पता है के तो हो गया मैक्सिमम के लिए, और यहाँ ई की जगह एच इंटू न्यू लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं एच इंटू न्यू नोट, फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से माइनस का, बोल लिख सकते हैं लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक मैक्सिमम इज इक्वल टू एच को कॉमन ले लो न्यू माइनस का न्यू नोट, तो ये फॉर्मूले याद करते चले जाओ लिखते चले जाओ, सबसे पहले एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला है, तो न्यू बच गया यहां से क्योंकि हमें निकालना गया था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म तो भी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था एच न्यू और एक होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना, तो ये न्यू का फॉर्म निकालना था न्यू रखा, न्यू की वैल्यू निकाली फाइव बाई एच ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी तो होती है, तो न्यू क्या है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे न्यू नोट से, क्योंकि न्यू मिनिमम कितनी है फाइव बाई एच, कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए इक्वल मिनिमम के लिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा आप ला सकते हो, समझ में आ गई, दोबारा फंक्शन के लिए है तो यानी कि इसके लिए नोट, तो यही कहलाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया काइनेटिक मैक्सिमम का एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, बात समझ में आ रही है। अब इसका ग्राफ भी बना देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनी इसको इरेज कर देता हूं, उतार लेना स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास एक वैल्यू आई क्या के मैक्सिमम अभी निकाली थी एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, निकाली आप लोगों ने बिल्कुल निकाली है। अब सुनिए ध्यान से, एक इसको इस इक्वेशन को रिलेट करवाना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से, ये इक्वेशन होती है ग्राफ के लिए स्लोप के लिए, तो एक ग्राफ बना रहा हूं मैं ध्यान से समझिए, इस प्रकार से ग्राफ लिया, इस साइड में लेना है एफ
ऑफ फोटोन। एफ का मतलब हो गया यहां पे न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, इसको हटाओ, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन लिख लो सीधा, न्यू, समझ में आ गई, न्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो न्यू, न्यू ऑफ फोटोन। और यहां लिखेंगे हम काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसको अगर मैं कंपेयर कराऊं तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम, ये हो गया एक्स, और ये हो गया प्लस का सी, माइनस का सी है ना यहां पे, तो इसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा भाई, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे 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 करके जा रहा है नीचे माइनस में। तो इसका मतलब ये जो जगह है ये क्या कहलाएगी, एच न्यू नोट ना, ये क्या कहलाएगी, एच न्यू नोट, क्योंकि माइनस में यही तो जा रही है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाई, अभी पढ़ाया था हमने फाई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नोट, इसको फाई बोलते हैं। वर्क फंक्शन हो गया, नेगेटिव में वर्क फंक्शन गया, बहुत अच्छा। ये वैल्यू क्या है, ये एफ नोट हो गया मिनिमम, उसके बाद नेगेटिव में गई ना, और यहां से एक सीधी लाइन भी जा रही होगी क्योंकि एम इंटू मैक्स स्लोप है ना। तो ये रहा हमारा थीटा, ये हो गया आपका स्लोप, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एम इसके साथ में क्या है, एच है ना, एच, ये एच हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एच, इसको हटा देंगे। चलो ग्राफ बनाना आया, नोट डाउन कर लेना ग्राफ को। बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए, एकदम अच्छे से क्लियर होगी, अगर आप एक एक बिना स्किप किए देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती आपको, गारंटी है। यदि बात समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी निकलेगी जो अभी निकाली थी हमने, जैसे अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे हमारे पास निकलेगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ध्यान से समझिए और करिए। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये कहती थी कि फोर, उसी की तरह सेम डेरिवेशन है, फोर इलेक्ट्रॉन एमिशन, कंसेप्ट को समझ लो इन वीडियो से, फाई, तो ई की वैल्यू तो इस बार क्या लेंगे, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि इस बार वेवलेंथ की बात हो रही है, पिछली बार ई इक्वल टू एच इंटू न्यू की बात हुई थी, इस बार दूसरा फॉर्मूला भी तो है सी ए फॉर्मूला लैम्डा, इसकी बात हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ का चक्कर है ना इस बार, तो ग्रेटर देन इक्वल टू फाई हमें तो चाहिए, क्या वेवलेंथ का फॉर्मूला चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, एच सी ए फॉर्मूला लैम्डा सॉरी फाई, फॉर्मूला तैयार, इस बार लैम्डा का ये एच सी बाई। तो यानी कि मैं कह सकता हूं लैम्डा मैक्सिमम इसमें निकलेगा, देखो मैक्सिमम की मिनिमम नहीं होता, लैम्डा वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होता है, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि एच लैम्डा बाई फाइव होना चाहिए, एच सी बाई सॉरी एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई फाइव ये होना चाहिए, बताया था नहीं बताया, क्या बताया कि यहां से एच सी बाई फाइव होना चाहिए, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एच सी बाई फाई होना चाहिए, तो यहां पे लिख देता हूं मैं सी अपॉन फाई, बात समझ में आई नहीं आई, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा नोट, क्योंकि ये फाई आ गया तो लैम्डा नोट लगा देते थ्रेशोल्ड, और यही कहलाएगी आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, बात समझ में आ गई, यही कहलाएगी, जहां पे फाई आ जाता है ना नोट लगा देते हम लोग, पिछले बार भी लगाया था याद होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अगर इसकी वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ लैम्डा लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, ये फॉर्मूला रहेगा। ग्राफ भी बनाएंगे, उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं पेन चेंज करता हूं, एक व्हाइट पेन ले लेता हूं, क्या लिख रहा हूं, द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या लिखोगे, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, लेस देन लैम्डा नोट होना चाहिए, ये भी याद रखना है, आगे होगी समझ में सारी बातें। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दूं, चलिए अभी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकालनी है ना, चलो यहीं से निकालूं क्या, चलो आगे निकाल देते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई ना, चलिए अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में भी तो पुट करनी थी, पिछली बार करी थी के मैक्स,
इज इक्वल टू ई माइनस का फाई नोट, तो क्या लिखा था ई की जगह एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नोट फाई है ना, तो और ये हो जाएगा के मैक्सिमम। याद करिए ऐसे तो बनाया था थोड़ी देर पहले, याद करिए के मैक्स ई माइनस का फाई, के ऐसे कैसे रहा, इसकी जगह एच इंटू न्यू और इसकी जगह एच इंटू न्यू नोट, एच को ले लिया कॉमन, न्यू माइनस का न्यू नोट, यही तो था सारा सौदा है ना। इससे हमने ग्राफ बना दिया था, इससे ग्राफ बनाया था याद है ना, ऐसे करके ग्राफ नीचे की तरफ गया था, ऐसे इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। इक्वेशन वही रहेगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी से कंपेयर करवाना, ये के है वाई है एम एक्स प्लस सी, ये दोबारा माइनस में जा रहा है, तो ग्राफ वैसा ही बनेगा ऐसे करके, यहां से आएगा ग्राफ नीचे आएगा, ये लीजिए आ गया नीचे की तरफ, कितना नीचे आया तो ये देखिए इतना नीचे आया माइनस का, कितना गया एच सी बाई लैम्डा, तो लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नोट, इतना तो माइनस में गया, यहाँ क्या होगा वेवलेंथ आएगी लैम्डा, जैसे वहां फ्रीक्वेंसी आई थी ना, यहाँ पे क्या आई थी फ्रीक्वेंसी आई थी मिनिमम ये वाली, उसके बाद में ये आ गया था एच न्यू नोट जो कि फाई के रिप्रेजेंट करा था, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ में आ रही है, सेम है सारे सुद्धा। फिर ऊपर जाएगा स्लोप बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ गए क्योंकि ये तो फिक्स है, और ये कितना आ जाएगा सी तो कॉन्स्टेंट हो गया एच सी बाई लैम्डा ना, तो यह लिखेंगे एच सी लैम्डा तो मान ही रखा हमने, तो ये जो ग्राफ बनाया ये किसका साथ है, वन बाई लैम्डा के साथ था ग्राफ भाई, लैम्डा के साथ ग्राफ है, इधर ये के मैक्सिमम है, तो क्या करेंगे, यानी कि जो स्लोप है वो किसका बनेगा, ये थीटा स्लोप किसका बनेगा एच और सी का बनेगा, किसका बनेगा भाई एच और सी का। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही, जल्दी से कमेंट करके बता दे, तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो के आ चुके, दो फॉर्मूले एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है भाई, तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई, दोनों फॉर्मूले हमारे तैयार हैं, दो तीन फॉर्मूले हमने याद कर लिया, वो तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक ये रहा फॉर्मूला एक ये रहा फॉर्मूला एक ये रहा फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हैं छोटे छोटे, क्लियर हो रही है। चलिए अब एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं, इरेज कर दे, तो हम देखिए यहां से हमने जो लाइन बोली थी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद करिए ये हमारे अभी फॉर्मूला क्या निकल गया है, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस के एच सी बाई लैम्डा नोट लिख दो या माइनस का फाइव लिख लो, तो लैम्डा नीचे आया है ना ये, तो हमें क्या कहा ऑन इंक्रीजिंग, हमने बताया था आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखवाई थी ऑन इंक्रीजिंग, पहले भी लिखवाई होगी याद होगा आप लोगों को, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर इसको बढ़ाएंगे तो पहले भी बढ़ा चुका रेडिएशन, द नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाते हैं इंक्रीज, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम एंड हेंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनइफेक्टेड विद चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये बात आपको बताई थी कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो एनर्जी निकलेगी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या रहेगी अनअफेक्टेड रहेगी, तो इसका ग्राफ बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी वो इतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, और इंटेंसिटी आप क्या करते रहिए इंक्रीज करते रहिए, इस साइड में बढ़ाते रहिए, कितनी भी बढ़ा लो आपकी वही रहेगी भाई, समझ में आ गई बात, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।